यूपी के मथुरा में डीजीपी के कड़े आदेशों के बावजूद पुलिस की गुंडागर्दी लगातार सामने आ रही है। हाल ही में धौली प्याऊ इलाके में पुलिसकर्मी जनता के साथ फिर मारपीट करते नजर आए। मामला धौली प्याऊ इलाके का है। यहां पुलिस ने पहले तो नगर निगम के कर्मचारी को जमकर पीटा, इसके बाद पीड़ित से 3,000 रूपए की अवैध वसूली की डिमांड की। धौली प्याऊ इलाके के शंकर गली में पुलिस कर्मियों की दबंगई लगातार बढ़ती ही जा रही है। यहां 3 साल पुराने मामले के आरोपी को पुलिस पकड़ने पहुंची थी, लेकिन लोकेशन पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों ने 35 साल के शख्स कृष्णकांत के साथ मारपीट की। कृष्णकांत नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात है। जब इन्होंने कारण है तो इनके छोटे भाई के LBW वाहन थे 2-3 दिन पहले, और उनको जो है माननीय न्यायालय ने निरस्त करके और उसकी कॉपी पुलिस चौकी इंचार्ज को उपलब्ध करा दी गई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने 3,000 रुपए की मांग की, पैसा न देने के कारण इनके साथ मारपीट की और इनको जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे, जिसकी सूचना हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रात को मिली और उनको दे दी गई है। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि कृष्णकांत के खिलाफ कोर्ट में NBW वारंट जारी किया गया था। वहीं इसके पीड़ित कृष्णकांत का कहना है कि कोर्ट से वारंट रुकवा लिया गया था। घटना को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने पुलिस के आला अधिकारियों से दोषी पुलिस कर्मियों की शिकायत की है। कृष्णकांत का कहना है कि पहले पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, फिर अवैध वसूली की डिमांड करने लगे। एनीवन न्यूज के लिए मथुरा से खेमचंद पटेल की रिपोर्ट।